हेलो दोस्तों, तो आज का स्टॉक है हमारा कोप्रान। इसको मैंने ऑलरेडी एक बार 24 अगस्त को एक बार उसको आपको अपडेट किया था। उसमें लगभग हमने बाय किया था इसे 200 रुपए पे जब था तब। ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। 200 पे था तब मैंने बाय किया था, बोला था 185 भी आएगा तो खरीदना ही है। और बिल्कुल वो रेंज मार्केट में मिल रहा था, 185 तक भी आया। 200 से 185 के रेंज में हमें खरीदना था। बताने की बात में क्या करो, ये जब हमने ट्रेड दिया, पूरा टाइम मिला ट्रेड लेने के लिए, और उसके बाद 280 का टारगेट दे रहे थे, लगभग मार्केट ने हाई किया 285। ये जो मोमेंटम चेस किया है आपने मार्केट में, तो ये पूरा प्रॉपर सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये पहला अपडेट था। अभी बात ये कि यहाँ से आगे क्या करना है, क्या करना है ये समझना है, तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे। पहले ये अपडेट दिया, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अभी देखो, ये जब टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना सेकंड टारगेट है 340 का। यही स्टॉक में 340 तक ये स्टॉक जाएगा, लेकिन उससे पहले मार्केट साइडवेज मूवमेंट करने वाला था, जो कि हो चुका है। और अभी जो रेंज आया हुआ है, ये खरीदने का टाइम है। ये 230 और 240, ये जो रेंज है, इस रेंज में हमें मार्केट में खरीदना है। आपके लिए चाहे तो मैं लाइन प्लॉट करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे 230 से लेके 240 के बीच में कहीं पे भी आ जाए, आपको इस स्टॉक को बाइंग करते चलना है। और जब तक मार्केट में, सपोज दैट अभी अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, आप ट्रेड लेंगे, तो अपर साइड टारगेट मिनिमम जो 285 का भी हाई क्या हुआ है, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। लेकिन अभी नेक्स्ट, अभी जब ये मोमेंटम आएगा, जी ये मोमेंटम आया था, सेम मोमेंटम यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट में आएगा तो 340 तक जाएगा। तो इसको आपको देखना है कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरा अंडरस्टैंड करो। जब आप बड़ा चार्ट, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, देखो ये टारगेट दिया था यहाँ पे, जो कि मार्केट ने होल्ड कर दिया। अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो कोई डरना नहीं है, ये बिल्कुल बाइंग रेंज रहेगा मार्केट में। और यहाँ से मार्केट जब इस रेंज को क्रॉस कर देगा, तो मार्केट में 340 में बोल रहा हूँ, 370 से भी, 370 का हाई है तो मैं 340 385 बोल रहा हूँ, तो पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर देंगे। और जब वहां पे आ जाएगा, तो उसके बाद उसको कैसे चेस करना है, क्या करना है, ये देखेंगे। पहली बात तो देखो, ये स्टॉक में कंटिन्यूसली मंथली बेसिस पे जब एक बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हेवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। बीच में वॉल्यूम जरूर ड्रॉप हुआ था, वापिस बढ़ा है, ये अच्छी चीज है। और यही चीज है मार्केट को, ये स्टॉक में आपको कॉन्फिडेंस देगी मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड करने की। तो जब भी आप ये ट्रेड ले रहे हो, सपोज दैट 230 240 जो भी हम रेंज बता रहे, तो उसमें आप खरीदेंगे जब तक मार्केट। और इसको दो तरीके से कर सकते, चाहे तो कि सर और ज्यादा गिर गया तो क्या करना है, तो 220 पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पे ट्रेड करना है। और 200 के नीचे ये नहीं जाएगा। जब 200 के नीचे अगर जाता है, तो फिर हम उसको एक बार देखेंगे कि क्या करना है, कैसे उसको रिव्यू करना है। अदरवाइज 230 240 के रेट पे खरीदो, जब तक 200 के ऊपर है तब तक ये ट्रेड होल्ड करना है। 340 350 के टारगेट के लिए मिनिमम ये कोप्रान को आपको देखना। ये टेक्निकल प्योर, इस पे मैंने आपको बात कराऊ, मोमेंटम है, मोमेंटम को चेस करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।